हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 125 सीसी सेगमेंट की एक प्रीमियम मोटरसाइकिल। 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप देखें तो आपके पास हीरो स्प्लेंडर का ऑप्शन आ जाता है, बजाज पल्सर 125 है, हीरो ग्लैमर है एंड होंडा शाइन 125 है। लेकिन इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी ये वाली मोटरसाइकिल टॉप सेलिंग लिस्ट में काफी अच्छे नंबर्स के साथ हर महीने हमें दिखाई देती है। ये है टीवीएस की रेडर, जिसे कुछ लोग राइडर भी बोलते हैं। 125 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। और सबसे पहले मैं बात करूंगी प्राइस की, तो इस मोटरसाइकिल के गाजियाबाद में प्राइस पड़ते हैं 1,15,000 रुपए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। टीवीएस रेडर आपको चार कलर ऑप्शन में मिलती है और फिलहाल मेरे साथ आप ये जो कलर देख रहे हैं ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसके साथ ही जो सड़कों पर आपने मोस्टली सबसे ज्यादा कलर इस मोटरसाइकिल का देखा होगा वो डेफिनेटली येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ देखा होगा। इसके साथ ही इसमें आपको ब्लू कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्लस अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प मिलते हैं वो फुली एलईडी मिलते हैं विद द डीआरएल्स, और इसमें कुछ एनिमल को रिजेंबल करते हुए डीआरएल्स दिए गए हैं जो काफी अग्रेसिव लगते हैं। वो कौन से एनिमल को रिजेंबल करते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं आपके हैलोजन बल्ब के साथ एंड बाकी फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की, काफी प्रीमियम दिखने वाली मोटरसाइकिल की तरह इसकी फ्रंट प्रोफाइल ऑफर की गई है। और अगर व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 240 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। प्लस इसका जो फ्रंट व्हील है वो 17 इंच का है एंड 80x100 इसका सेक्शन आपको ऑफर किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे साइड प्रोफाइल में आपको काफी बल्की फ्यूल टैंक मिल जाता है जो 10 लीटर का है। और ये जो आप पैनल देख रहे हैं भाई, इस मोटरसाइकिल की जान ये पैनल है, क्योंकि इसकी वजह से ये काफी स्टाइलिश हो जाती है। इसके फ्यूल टैंक पर आपको यहाँ चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर किया गया है। एंटी फ्यूल लिड आपको सिल्वर कलर की कुछ इस तरीके से मिल जाती है। प्लस फ्यूल टैंक पर ये जो आप पैडिंग देख रहे हो जिसकी वजह से इसकी जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रबर टाइप कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये स्प्लिट सीट वाला है, प्लस आपके पास सिंगल पीस सीट वाला भी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर ग्रैब रेल देखेंगे तो ग्रे कलर में आपको ये ग्रैब रेल मिल जाती है जो काफी अच्छी लग रही है। प्लस ग्रैब रेल के जस्ट नीचे आपको टेल लाइट सेटअप ऑफर किया गया है। टेल लाइट सेटअप भी इसका फुली एलईडी मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अगेन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो की हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं। रियर में आप देखेंगे रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किया गया है जो 130 mm का है। प्लस रियर टायर भी आपको ट्यूबलेस मिलता है, 17 इंच का है। हालांकि इसका जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी वाइडनेस इसकी बढ़ा दी गई है, 100x90 इसका सेक्शन आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिलियन राइडर के लिए स्टैंड है वो कुछ इस तरीके का आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको फुट पैड भी मिल जाते हैं, आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेसरी। एंड साइड प्रोफाइल में अगेन देखेंगे आपको फ्यूल टैंक के यहाँ पर जस्ट कुछ इस स्टाइल में आपको टीवीएस की बैजिंग मिल जाती है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है। और बाइक की जो लुक है ना वो अपाचे से काफी रिजेंबल कर रहे हैं। अपाचे एक प्रीमियम रेसिंग मोटरसाइकिल है एंड ये आपकी 125 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। यहाँ पर आपको राइडर की बैजिंग मिल जाती है एंड प्लस ये जो इंजन आप देख रहे हैं भाई, इंजन देखिए इसमें 125 सीसी का 3-वॉल्व इंजन मिल जाता है जो कि आपकी 8 PS की पावर जनरेट करता है और 11 Nm का टॉर्क देता है। गियर बॉक्स इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। टीवीएस राइडर में आपको कुछ इस तरीके की कीज मिल जाती हैं जो कि फ्यूल टैंक से काफी रिजेंबल होती हैं। अब आइए एक बार बैठकर आपको मोटरसाइकिल पे दिखा देती हूँ। सीट हाइट आप देख सकते हैं, मेरी जो हाइट है वो 5'7" के आसपास है और मतलब मेरे पैर फ्लोर पर पूरी तरह से टच नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को मशक्कत करनी पड़ रही है। बाकी जो मोटरसाइकिल है वो इतनी ज़्यादा लाइट है, 123 किलोग्राम इसका वेट है। 125 सीसी सेगमेंट में 123 किलोग्राम की मोटरसाइकिल अगर है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्की और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मुझे लग रही है। प्लस अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें अनलेडन 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया गया है जो कि काफी अच्छा है इन अ सेगमेंट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके फीचर्स की। सबसे पहले इसे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको कंसोल दिया गया है जो कि आपका फुली डिजिटल है। कंसोल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप पावर और माइलेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं, टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, टर्न इंडिकेटर का जो आपको ब्लिंकर्स है वो यहाँ पर दिख जाता है, RPM, मतलब ऑल ओवर जो सभी चीजें हमारे क्लस्टर में होती हैं वो सभी आपको टीवीएस राइडर में मिल जाती हैं। प्लस अच्छी बात ये है इसमें आपको फ्यूल टैंक आपका कब एम्प्टी होने वाला है वो ऑप्शन भी इसमें आपको ऑफर किया गया है। अब इस कंसोल में आपको गियर शिफ्ट एंड पोजिशन इंडिकेटर भी दिखाई देता है, मतलब अगर आपने गियर शिफ्ट करना है, आपकी स्पीड ज्यादा है तो वो इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है और डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल
इकोनॉमी भी आपको वो इस एलसीडी क्लस्टर में प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है। राइडर के राइट साइड में आपको यहाँ पर ड्राइव मोड्स के स्विचेस मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने राइडिंग डायनेमिक्स के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इग्निशन मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको साइलेंट स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, तो एक बार स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रंट लाइटिंग सेटअप है वो कुछ इसमें कुछ ऐसा ऑफर किया गया है। अब राइडर के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको पासिंग लाइट्स मिल जाती हैं, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न मिल जाता है। प्लस ये जो आप ग्रिप देख रहे हो, ये वाली ग्रिप इसमें मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही है। एंड जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्लेस किए गए हैं। अब राइडर के लेफ्ट साइड में चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो एग्जॉस्ट मिलता है वो काफी चंकी काफी बल्कि इस मोटरसाइकिल में आपको एग्जॉस्ट दिया गया है, जिसका साउंड भी काफी अच्छा है। आप लोगों को मैं सुनवा देती हूँ एक बार इसके साथ ही। बाकी यहाँ पर आप ये जो पैनल देख रहे हैं ये काफी डिफ्रेंशिएट करता है इस मोटरसाइकिल को दूसरी 125cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल से। अब मैं आपको बताती हूँ इस मोटरसाइकिल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, तो इसका माइलेज कितना है। तो कंपनी क्लेम करती है 65 टू 70 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये मोटरसाइकिल माइलेज निकाल कर देती है। प्लस मैं अभी TVS के शोरूम पर हूँ, तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं मैंने उनसे इसका माइलेज पूछा है, तो उनका कहना है कि 55 से 60 के बीच ये माइलेज ऑन रोड इन अ ट्रैफिक बड़े आराम से निकाल कर दे देती है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 0 to 60 किलोमीटर पर आर ये सिर्फ 5.9 सेकेंड में कंप्लीट करती है। 125cc सेगमेंट की एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं इको एंड पावर, यानी अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए तो आप इको में चलाइए। प्लस अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए, पिकअप अच्छा चाहिए, तो आप पावर मोड में चलाइए, लेकिन वहां पर आपको माइलेज के साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है 125cc सेगमेंट की एक बहुत ही प्रीमियम लुक वाली मोटरसाइकिल TVS Raider, जिसकी टॉप स्पीड मैंने आपको बताई है, फीचर्स और डिज़ाइन से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि 125cc सेगमेंट में कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी है। फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, तब तक के लिए बाय बाय।